हाय फ्रेंड्स, आपका भाई दोबारा से चैनल पे एक न्यू वीडियो लेके आ चुका है। लेकिन इन सबको मारो गोली। सबसे पहले हैप्पी होली फ्रेंड्स, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, हमें मैंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, उसका काम क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ। होली पर जो हम पानी भर के हम जो गुब्बारे मारते हैं ना फ्रेंड्स, वो गुब्बारे जो होते हैं उन अगर हम डायरेक्ट टंकी में लगा के चलाते हैं, मतलब टैप पे लगा के चलाते हैं, तो फिर वो टूट जाते हैं। उनकी जो रबड़ होती है ना, जिस साइड से हम उसको फुलाते हैं, है ना, तो वो टूट जाती है। लेकिन मैंने एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया है, एक ऐसा जुगाड़ लगाया है घर के वेस्ट से, कि हम उसमें इजिली वाटर भर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, वायरल कर दो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम 600 से 1000 तक। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब चालू करते हैं। 3 2 1 हियर आई गो फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारे जरूरत का सामान। ये एक पाइप जो वॉश मशीन में लगता है, लेकिन छोटा था फ्रेंड्स, एक वॉश मशीन का पाइप है, ये छोटा था, है ना, तो इसलिए काम भी नहीं आ पाता था, तो इसको मैंने ले लिया। इस टाइप का इसका मैकेनिज्म रहता है, ये एक पाइप रहता है, यहाँ पे एक पाइप लगता है, तो मैंने उसको हटा दिया। और ये भी रखा हुआ था, तो ये भी मैंने ले लिया। यहाँ से मैंने कुछ टेप की मदद से इस टाइप से जोड़ दिया, तो ये रहा ये वाला मैकेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, इसको रखते हैं साइड में। अब बारी आती है इस वाले मैकेनिज्म की। ये भी एक पाइप था, इसमें जगह जगह छेद नहीं हो जाते फ्रेंड्स, तो जो छेद वाला पार्ट था उसको मैंने एक्स्ट्रा ब्लेड से काट दिया। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे चिपका दिया है, सोल्ड कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, मैंने पाइप को इस टाइप में सोल्ड कर दिया है। ये इसका वो क्या कहते हैं, हैंडल खो गया था, तो फ्रेंड्स मैं पानी की मदद से इसको ऐसे ऐसे करके घुमा के यहाँ से ऑन ऑफ कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये इसका आगे का मैकेनिज्म है, इसको ये तो मैंने वैसे ही लगा दिया, इसको लंबा करने के लिए। अब फ्रेंड्स, ये पाइप जो है, जो इसका ये वाला सिरा है, इसमें कुछ इस तरीके से जुड़ जाता है फ्रेंड्स। ये वाला सिरा कुछ इस तरीके से इसमें जुड़ जाता है, और अभी मैं इसको जोड़ लेता हूँ, 2 मिनट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जुड़ चुका है फ्रेंड्स। देखो कुछ इस तरीके का टैप रहता है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट बैलून लगाते हैं तो फूट जाता है ना फ्रेंड्स, है ना, मतलब कि वहाँ से रबर टूट जाती है ना। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके मुकाबले कितना छोटा है फ्रेंड्स, इस पर ईजिली लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऐसे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब बैलून लग जाता है तो वो नहीं फूटता है। ओके फ्रेंड्स, इसको रखते हैं साइड में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके ये पिचकारी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैंने पहले यहाँ से निकाल लिया। अब इस वाली पिचकारी फ्रेंड्स, अभी ये खराब हो जाती है, इनके अंदर की रबड़ टूट जाती है, तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से ब्लॉक कर लो फ्रेंड्स, रबड़ लगा के, है ना। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक हो गई है। और अब हम फ्रेंड्स इसको अब हम साइड में कर लेंगे, अभी हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, अब हम इसे रखते हैं साइड में। फ्रेंड्स, इसको अब फेंक दो हम दूर, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेंड्स ये है, इसको हम इधर कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और हम जब इस वाले सिरे को हम जब टैप में लगा देंगे ना, ये किसी के साइज में टैप पे लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप भी रखा जिससे कि ईजिली लग जाए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, इसको जब मैं ये किसी भी टैप में लग जाएगा, और आप जब लगाओगे ना तो फ्रेंड्स एक इस तरीके का मैकेनिज्म दिखने लगेगा। अब जैसे इसको लगाओगे, इसमें पहले एयर निकलेगी थोड़ी सी, और फ्रेंड्स उसके बाद शू पानी की बौछार। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको करके दिखाते हैं। इसको पहले मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, अरे यार टेप इसके अंदर है गई यार टेप। हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टैप में लग चुका है, कुछ इस तरीके से टैप में लग जाता है। और अब आप वहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैं जैसे ही यहाँ से कुछ इस तरीके टैप ऑन करूँगा, अभी देख लो फ्रेंड्स, ये देखिए पाइप में फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें से पानी फ्रेंड्स निकलने लगा है। मैं आपको थोड़ा सा उठा के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी निकल रहा है, और कुछ इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ से बंद कर दिया है, अब मैं कुछ इस तरीके से घुमाऊंगा, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ से चालू भी हो गया एकदम से। तो अभी हम यहाँ पे आपको बैलून लगा के दिखाते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा बैलून, ये हमने इसको
इसके मुंह को थोड़ा सा चौड़ा करा और कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है। अब फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लग गया है। अब मैं वहां से इसको ऑन कर देता हूँ, 1 2 3 ये ऑन फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये फूल गया है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसकी जो एयर है उसको मैं निकाल लेता हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने एयर निकाल ली है। और अब मैं यहाँ पे इसको गांठ लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके बैलून फूटा है और अब हम इसको किसी के ऊपर भी फोड़ सकते हैं। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब ये फ्रेंड्स दूसरा बैलून हम आपको एक और फुला के दिखा देते हैं फ्रेंड्स, ये इधर लग के ये इसके अंदर फ्रेंड्स आ चुका है। अब मैं यहाँ से टैप ऐसे ऑन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं, अरे ये तो फूट गया। चलो मैं आपको पिचकारी से करके दिखाता हूँ, जो इस पिचकारी के ऐसे जहाँ पे हमने टेप लगाई थी इसको चौड़ा करने के लिए, इसको जाम करने के लिए, हम इसको कुछ इसमें इस तरीके से हम इसको फंसा लेंगे फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फंस चुका है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जैसे अब टैप ऑन करूँगा फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से करा टैप ऑन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें निकल रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स इसे मैं अपना नाम लिखता हूँ एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छी तरीके से ये फेंक रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब हम इससे खेलेंगे होली। अभी हम आपको इसको फोड़ के भी दिखाएंगे कितनी अच्छी तरीके फूटता है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट तो जरूर कर देना। आइए फ्रेंड्स अब हम इसको फोड़ के दिखाते हैं।